हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्लम केक का एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन बना रहे हैं। तो उसके लिए ये मैंने नट्स लिए हैं, जिसमें क्रैनबेरीज, आलमंड्स, टूटी फ्रूटी और जो भी प्लम केक में यूजुअली पड़ता है, रेजिन्स हैं ब्लैक वाले और नॉर्मल वाले, फिग है, ड्राई फिग भी मैंने डाला है। बेसिकली आपके पास जो नट्स होते हैं वो सब आप यूज़ कर सकते हो। और ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस के अंदर इसको डिप किया है, सोक किया है। और ये रम एसेंस है, रम का बॉटल नहीं है। सो ये रम एसेंस है और इसको थोड़ा सा ही डालना है आपको, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि इसका स्मेल बहुत वो होता है, पक्का मतलब बहुत ज़्यादा होता है। सो इसको आप टू डेज के लिए भी सोक कर सकते हो। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ही सोक किया था, अराउंड 6 से 7 घंटे। अब मेरे पास यहाँ पे एक फूड प्रोसेसर है। फूड प्रोसेसर क्यों लिया मैंने, क्योंकि मेरे को केक के क्रम्स बनाने हैं। एक्चुअली मेरा ये एक चॉकलेट स्पॉन्ज केक था जो थोड़ा बहुत बिगड़ गया था, तो उसको फेंकने की वजह मैंने इसको ऐसे यूज़ कर लिया है। सो आप क्या कर सकते हैं कि स्पॉन्ज के आप प्रीमिक्स से बना सकते हैं। और यहाँ पे ये मैंने चॉकलेट गनाश लिया है, और वाइट चॉकलेट गनाश में मैंने और ग्रीन और रेड कलर डाला है। सो फूड प्रोसेसर में मैंने यहाँ पे ये केक डाला है। केक को हम क्रम्बल कर देंगे फूड प्रोसेसर में। जब भी आप कुछ क्रम्ब करें तो मैं सजेस्ट करूँगा फूड प्रोसेसर यूज़ करो, क्योंकि कैसे ये सब चीज़ें आप फूड प्रोसेसर में करोगे तो आपका टाइम बचता है। जैसे ग्राम क्रैकर्स हो गए, उनको क्रैक मतलब उनका क्रम्बल करना है, चीज़ केक के लिए बेस बनाना है उसके लिए। सो आप फूड प्रोसेसर यूज़ करो, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। सो मैंने यहाँ पे पहले नट्स डाले, सिर्फ जो सोक किए हुए नट्स थे, और देखो उससे ही मेरा पूरा डो नीड हो गया, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बट यहाँ पे मेरे पास जो थोड़ा बहुत ऑरेंज जूस बचा था मैंने वो भी पूरा ही डाल दिया, वो थोड़ा सा क्या करें। और जैसे अगर आपका ये बैटर थोड़ा गीला हो जाता है ना, तो आप क्या करो, इसको फ्रिज में डंप कर दो थोड़ी देर के लिए। उतनी देर में ये थोड़ा स्टिफ हो जाता है, जो इसके अंदर बटर वटर होता है, जो फैट होते हैं वो सब पक्के हो जाते, मतलब स्टिफ हो जाते हैं, तो आपका काम ईजी हो जाएगा, आप इसको प्रॉपरली बना सकोगे। तो ये गनाश कैसे बनाया, गनाश को मैंने नॉर्मली बनाया, उसमें थोड़ा सा मिल्क सिर्फ ऐड किया है, बट उसको 2:1 में ही बनाया है। और इसको थोड़ा सा ल्यूक वॉर्म रखा है, जैसे वो कोट हो पाए बराबर से, ठीक है। अब बस इसको केक पॉप्स को इसके अंदर डालो गनाश के अंदर, और एक्स्ट्रा जो गनाश है बस उसको ड्रिप आउट कर दो आपके इसके हेल्प से, फोक के हेल्प से। मैं फोक ले रहा हूँ, और जैसे मैंने कोकोनट लड्डूज में बताया था आप सभी को, वैसे ही आप करो तो आपके केक पॉप्स भी एकदम सेम साइज़ के बनेंगे। और एक्स्ट्रा चॉकलेट हमेशा हटा दो। एडिशनली आप क्या कर सकते हो, जिस प्लेट में आप रख रहे हो या जिस भी बोर्ड पे आप सेट कर रहे हो, तो उस बोर्ड पे आप उसको ये कर सकते हो, क्या बटर पेपर से एक बार लाइन कर सकते हो। एज आई वॉज आउट फॉर ऑफ बटर पेपर, सो मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसको यूजुअली ऐसे ही प्लेट पे सेट कर दिया है। जस्ट इसको हमको केयरफुली लिफ्ट करना पड़ा फिर बाद में पैलेट नाइफ से, ठीक है। इसको सेट करने के लिए रख दो आप फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जब तक थोड़ा गनाश का लेयर जो है वो थिक हो जाए, बस वो ध्यान रखना है आपको। इन द मीनवाइल हम बाकी के बना लेंगे। और ये ऑनेस्टली बहुत अच्छा टेस्ट करता है, रम एसेंस जब भी डालोगे ना आप इसके अंदर, तो बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो। आई डोंट प्रमोट अल्कोहलिज्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आप अगर चाहो तो ओरिजिनल जो रम बॉल्स या प्लम केक होता है, तो उन सब में ओरिजिनली वोडका यूज़ होता है, कोई रम यूज़ करता है, बट एज यहाँ पे मेरे यहाँ पे कोई ये प्रेफर नहीं करता है। आई डेंट एडिड एनी थिंग लाइक दैट, मैंने एसेंस डाला है, एसेंस जस्ट फॉर स्मेल पर्पज़ के लिए होता है, उसमें वैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जस्ट इसको हम देखो बाकी सबको भी हम कोट करके सेट करने के लिए रख देंगे फ्रिज में। जैसे वो सेट हो जाएगा हम उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के हम क्या कर रहे हैं अभी देखो, जैसे क्रिसमस है तो क्रिसमस की वजह से हम उस पर वो लगा रहे हैं वाइट कलर का, और सॉरी रेड और ग्रीन कलर का हम गनाश जो हमने बनाया है कलर गनाश वो ड्रिजल कर रहे हैं। आप पाइपिंग जेल भी बनाओ तो पाइपिंग जेल से वो थोड़ा शाइनी लगता है। अब देखो मैंने इसको हल्के हल्के से पैलेट नाइफ से सरका के ले लिया है, और ग्रीन कलर का गनाश और रेड कलर का गनाश वाइट चॉकलेट में ही बना के मैंने वो ड्रिजल किया है। और हमारे पास जो सिल्वर बॉल्स होते हैं आप सिल्वर बॉल्स भी रख सकते हो, और देखो मैंने हटा के प्लेट में सेट कर दिया। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, बट थोड़ा गनाश को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वो थोड़ा आपको स्टिफ हो जाए तो आपको तब निकालना है, और सिल्वर बॉल्स डालो बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा बनता है ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।